नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। अमेरिका ने भारत को 1440 प्राचीन वस्तुएं लौटाई, जिनमें मंदिर मूर्तियां शामिल हैं जिन्हें तस्करी कर लाया गया था। यह वस्तुएं अमेरिका में अपहरण किए गए अपराधियों सुभाष कपूर और नैन्सी विनर से जुड़ी थी। भारत में 6.4 करोड़ MSME में से 77 लाख डिजिटल रूप से सशक्त हैं, जो हालिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार बढ़ रही है। 2 दशकों में डिजिटल कॉमर्स ने MSME संचालन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। हावड़ा ब्रिज को पहली बार 40 साल में स्वास्थ्य जांच के लिए 5 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ने विशेषज्ञों की टीम से ब्रिज का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। यह ब्रिज शनिवार रात 11:30 बजे से रविवार 4:30 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बैग की जांच की, जिससे विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला। झारखंड में भी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान अनुमति में देरी पर विवाद हुआ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। भारत ने 9 अक्टूबर 2024 में 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, जो देश की बढ़ती व्यापारिक ताकत को दर्शाता है। इसके अलावा अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक गैर पेट्रोलियम निर्यात 211.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन भी शामिल हो सकते हैं। इससे 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को 5 लाख हेल्थ बीमा मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी रितिका ने बेटे को जन्म दिया। रोहित ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए हम 4 लिखा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में नहीं खेलने का फैसला लिया पहले टेस्ट मैच में। स्कैंडिनेवियाई एयरलाइंस की फ्लाइट मियामी जाने के दौरान टर्बुलेंस में फंस गई, जिससे विमान 8000 फीट नीचे आया। यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फ्लाइट को कोपेनहेगन डायवर्ट किया गया और जांच जारी है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक नकली महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक गरीब महिला से 70,000 रुपये ठग गया। आरोपी महिला खुद को जमोड़ी थाना प्रभारी बताकर सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाने का झांसा देती थी। कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्होंने 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया, उन्होंने एक बार खुलासा किया कि आदित्य चोपड़ा उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से निकालना चाहते थे। वजह थी सेट पर उनकी देरी से उपस्थिति। पैन कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज है और इसे आसानी से ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में NSDL या UTIITSL पोर्टल से फॉर्म भरकर पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करना होता है। फिजिकल कार्ड 15 दिनों में मिल जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह के नंदिनी सिंगला का स्थान लेंगे। श्रीवास्तव ने नेपाल भूटान संभाग इथियोपिया में राजदूत और कई अन्य महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए, 2 जवान घायल हुए। मुठभेड़ में हथियार बरामद हुए। 2026 तक भारत में एयर टैक्सी सेवा शुरू हो सकती है। वर्टी पोर्ट्स के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा। एयर टैक्सी के द्वारा यात्रा समय 7 से 19 मिनट में होगा। अक्टूबर 2024 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने 17,539 यूनिट्स की बिक्री के साथ बेस्ट सेलिंग हैचबैक का खिताब हासिल किया। स्विफ्ट की कीमत 6,49,000 रुपये है से शुरू होती है और यह स्मार्ट फीचर्स व शानदार परफॉर्मेंस के साथ आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक नियुक्त किया, जिससे खुफिया समुदाय में हलचल मच गई है। गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर ट्रंप के सिद्धांतों का समर्थन किया, लेकिन उनके रूस समर्थक रुख से खुफिया सहयोग पर असर पड़ने की आशंका है। नयनतारा ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल के लिए नानुम रावडी धान की फिल्म फुटेज का यूज नहीं करने देने के लिए ओपन लेटर लिखकर धनुष की आलोचना की है। डॉक्टर मोहन भागवत ने विविभा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के विकास, पर्यावरण संतुलन, शिक्षा और शोध की महत्ता पर चर्चा की। उन्होंने विजन 2047 के तहत भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करने की बात की।
70% हिंदू अमेरिकियों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। विशेष रूप से बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति उनकी कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए हिंदू समुदाय अब देखेगा कि ट्रंप भारत और उनके हितों के लिए क्या कदम उठाते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भेजने से मना कर दिया है। अब ट्रॉफी का टूर 16 नवंबर से 25 नवंबर तक पाकिस्तान में और बाद में अन्य देशों में होगा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेट शीट जल्द जारी होगी। उम्मीद है कि यह दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होगी और प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाओस दौरे पर जाएंगे, जहां वे आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक में भाग लेंगे। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की संभावना है, जो पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग समझौते के बाद होगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने कहा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अब भारत से पीछे है और भारत ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत की प्रगति और भविष्य में उसकी नेतृत्व भूमिका की सराहना की। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भव्य मंदिर बनाने की अपील की और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न कदमों की चर्चा की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो लकी बिस्ट ने बिग बॉस से 18 का ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि एक रॉ एजेंट के रूप में उनकी पहचान गोपनीय रहती है और वह अपनी निजी जिंदगी का खुलासा नहीं कर सकते। लकी एक प्रसिद्ध भारतीय स्नाइपर और रॉ एजेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले शुभमन गिल इंट्रा स्क्वाड मैच में चोटिल हो गए हैं। गिल को उंगली में चोट लगी, हालांकि पहले टेस्ट से बाहर होने की खबर जल्दी नहीं है। पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया की परेशानियां बढ़ी हैं। अमेरिकी विजल ब्लोअर्स ने अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फेनोमेना यानी यूएफओ के वास्तविक होने और मनुष्यों से संपर्क के दावे किए। इसके बाद पेंटागन ने यूएफओ की निगरानी के लिए एक नए सर्विलांस सिस्टम का फुल टाइम डिप्लॉयमेंट किया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 3% बढ़ा दिया था, जो अब मूल वेतन का 53% हो गया है। उम्मीद है कि अगले साल 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके लिए कई प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। दक्षिण अफ्रीकी कोच वाल्टर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें अभी भी बेहतर होने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत टीम के मुख्य कोच के रूप में मुझसे होती है। बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें युवा खिलाड़ियों को खिलाना पड़ता है, यहाँ तक कि अच्छी टीमों के खिलाफ बड़ी सीरीज में भी उन्हें हमें मौका देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में शामिल अधिकारियों को संरक्षण नहीं देता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रमीला कुमारी, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा और मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा भारतीय फिल्म स्टार कौन है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।